उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंस। पनी काई का तो पछे ये पाछे रे नहीं हो रे यो तो चाली बो पायो। प्रेजेंटी बाय उदल राजा स्टूडियो सहा। Oh,
चालता चालता पहुंच गया गुफा के पसे। ए गुफा में जावे हाँ। तो वही गुरु रुपनाथ जी वही उन्हीं गुफा के माँ गुरु रुपनाथ जी बैठा और उनकी गाय को बाछरू बंदी वही गुरु रुपनाथ जी बोलिया के मानवी हाँ। कौन नगर से होया यावना और कई था को नामे ते जलती देवो मुख से बताइए ए नयो कुंवर उसी समय कही गुरु रुपनाथ जी ने के बाद लगे के गुरु जी गुजर गोट से होया यौना और नयो कुंवर है मारो नामे आज आपकी गाय के चराता चराता बहुत दिन हो गया सबकी गाय की तो ग्वालिया में परंतु आपकी गाय की ग्वाली अभी तक नहीं आई तो मैं आपकी गाय की ग्वाली लेने के लिए आयो गुरु रुपनाथ जी बोले के चेला तू गाय की ग्वाली लेने के लिए आयो क्या हाँ गुरुदेव वही गुरु रुपनाथ जी बोले के चेला आप थोड़ी देर यहीं विश्राम करो मैं अभी जाता हूँ कुटी के अंदर और थारे गाय की ग्वाली वही गुरु जी तो चलता चलता कुटी का अंदर गया और वहां से जऊ भर कर लाया वही दया जी से कही के मानवीर जो अपना कम्बल है नहीं वो पीछे दे आज मैं थारे में गाय की ग्वाली दूंगा अब नया जी को वही जऊ का थोपा भर भर कर दे दिया अब नया जी वहां से जऊ का थोपा लेकर दरली नगर गोठा की बटे अब चालता चालता रास्ता में वही नया जी मन में करे बिचारे क्या गुरु जी के पास तो मैं गाय की ग्वाली लेने के लिए गया था परंतु गुरु जी ने मारे नहीं ये जऊ दिया इना जऊ के लेके गोट नगर में कहीं करूंगा अगर गौ दे तो मैं आटो पीसा तो और को भोजन बना तो खातो परंतु मारे तो जऊ दिया इना जऊ के कहीं करूंगा वही नया जी ने जऊ समझी के साथ रास्ता में फेंक दिया जह फिर नया कुंवर चालता चालता पहुंच गया नगर को ठा के महये अब गोठी नगर में पहुंचा हाँ। तो आज वही सवई भोज महाराज बोलिया के नया जी आप उन्हीं गाय का पाछे गया था तो ना ओका धनी से मिली के आया
और ग्वाली लाया काई की। नया जी बोलिया के दादा बहुत सुनो मारा मन की बात ते सुन लो ध्यान लगाइए। अरे दादा बहुत गाय का पाछे गयो तो भी सरी और का धनी से भी मिले के आयो फिर कहीं आयो। अरे दादा बहुत एक गुफा के माय एक बाबू जी रेवे रे जय हो वो कहीं गाय की ग्वाली दे उन्हें तो मारे जौंतिया था तो मैं तो रास्ता में फीके आयो। अब उना कमल का माय साहब दो चार हीरा चमके चोटिया रहेगा था जाऊं उका कहीं बनेगा हीरा जवार सवाई बोच महाराज की नजर की का ऊपर पड़ी उना जाऊं का ऊपर। अब हीरा की तरह चमकने लग्या जय हो। सवाई बोच महाराज बोलिया के नया जी तने घनी बुरी बात करी रे क्यों दादा बहुत। अरे नया जी थारे उना बाबा जी ने जौनी दिया था ज्यादा थारे तो उन्हें हीरा जमानत दिया था तू देख तो सरी थारा कमल के माय हीरा जमानत हे रे ने बखत के माये। अब नया जी ने उस कमल के माय देखा तो वास्तु में साफ दो चार जौं चिपकिया दीदानी उका हीरा जमानत बनेगा। नया जी ने कही के दादा बहुत घनी पूरी करी मैं तो रास्ता में फिक आयो जौं समझी के दादा बहुत। सवाई बोच महाराज बोलिया के नया जी तने घनी पूरी करी तू समझने में थोड़ी देर कर दी जिनी के तू बाबूजी कीरियो नी वो बाबूजी नी है ज्यादा वो तो कोई अवतारी पुरुष है वो तो तू समझ नहीं पायो। कल उन्हीं गाय के जा आंदे कल उन्हीं गाय का पाछे जम्मा और मैं उससे मिली के आऊंगा तो वही चोईसी बगड़ा पर फिर चलता चलता ए पहुंच गया नागपाड़ का डूंगर के पासे नागपाड़ का डूंगर पे जाबे हाँ तो वही चोईसी बगड़ा पर फिर अपनी अपनी गाय चरावे वही सबई बोच महाराज तो गाय चरावे वो नयो कुमार छोटा मोटा पाछरू चरावे जय हो। तो वही गुरु रघुनाथ जी की गाय फिर सबई बोच महाराज की गाय नहीं। अब दिन भर तो साफ साथ में चरी साथ पड़े और वही गाय चालुआ की तैयारी करी तो सबई बोच महाराज ने कहीं गाय को पूछड़ो पकड़ी है और कई चादवारी तैयारी करे है और मर्दा कहीं आगे बाता हो जावे और कई मिला दम राजरी होवे सा।